मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, प्रेम की साधिका थी, रस का सागर थी। मीरा ने अपने मधुर गीतों में प्रेम पीड़ा का मादक रस घोल दिया है। मीरा एक मेघ है जो बरस जाए तो हम तृप्त हो जाए। इनके गीत तो भावों के अराजक अभिव्यक्ति हैं। ऐसी प्रेम दीवानी मीरा का परिचय पाना अपनी आत्मा में प्रकाश का स्रोत जगाना है। उनके गीतों का गान करना प्रकाश के मानक स्रोत में स्नान करना है। आइए उस स्वर की खोज में हम भी चले। आखिर मीरा के मन में श्री कृष्ण के प्रति इतना लगाव कैसे पैदा हुआ? जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री का नाम मीरा था। उनका जन्म सन 1498 में हुआ। बचपन से ही वे श्री कृष्ण में रम गई थी। गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र में माँ ने मीरा को श्री कृष्ण की एक मूर्ति दी। इसी मूर्ति को मीरा ने अपना प्यारा सा गुड्डा बना लिया। भक्ति संगीत की सरिता जिसकी गोद में लहलाते काव्य कुसुम सदियों से महकते आ रहे हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में राजपूताना में एक गंगा उतरी, शीतल पावन गंगा। मीराबाई का रूप धारण करके मीराबाई राणा राजघराने की सुकुमार कोवल कुलवधु जो कृष्ण कन्हैया की जोगन बन गई। साधु संतों की संगत में नगर नगर फिरने वाली मीरा के एक तारे से निकला वो संगीत जो पिछले 300 वर्षों से अनवरत गूंज रहा है। मीरा कवियों और संगीतज्ञों की हृदय सामग्री पर मीरा का स्वामी गिरधर गोपाल, मीरा का सब कुछ वही गिरधर गोपाल जिसके प्रेम में पड़ गई मीरा और लाज सम्मान सब कुछ छोड़ बैठी। बाबा क्या ये गिरधर की मूर्ति आप हमें दोगी? जब ये गिरधर आपके हैं तो ये मूर्ति भी आपके ही है। मैं तो बरसों से भटक रहा था कि ये मूर्ति आपको दे दूं। बैठे हैं पद्मिनी का दूल्हा।
कृष्ण से लागी ऐसी लगन, एक राजकुमारी बनी जोगन। उसी समय से मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना आराध्य मानकर अपने मन और प्राण दोनों अर्पित कर दिए और अपना सारा समय कृष्ण की पूजा अर्चना में बिताने लगी। बचपन बीता, मीरा किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ाने लगी। कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति और बढ़ने लगी। गोपाल श्री कृष्ण का रंग मीरा पर इतना गहरा छा गया कि वह अपने स्वप्न में भी गिरधर गोपाल को ही देखा करती। इस प्रकार गिरधर का वरण करके मीरा चिर सुहागिन बन गई। वह कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होती, उन्हें सपनों में देखा करती, कभी उन्हें रिझाती और कभी उनके ध्यान में मग्न होकर गा उठती। Mother.
कृष्ण के प्रति तुम्हारा अलौकिक प्रेम है, परंतु यथार्थ कुछ और ही है। तुम्हारा विवाह तो चित्तौड़ के राणा भोजराज के साथ निश्चित हो चुका है। विवाह के समय सभी प्रसन्न थे, किंतु मीरा के मन में खुशी का कोई स्थान नहीं था। उसका रोम रोम रो रहा था। मेरे
पहुंच गई जहां पर हर्षोल्लास छाया था। मीरा का भव्य स्वागत किया गया। सभी सुख ऐश्वर्य होते हुए भी मीरा का मन अपने गिरधर गोपाल के दर्शन के लिए सदैव व्याकुल रहता। उन्होंने महल के सभी सुख ऐश्वर्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भाभी लाइए, ये मूर्ति मुझे दे दीजिए, मैं इसे मंदिर में रखती हूँ। नहीं, ये हमेशा हमारे पास रहती है, हमारे पास ही रहेगी। ससुराल पहुंचकर भी कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम टूट नहीं पाया। अगर ये स्वामी है तो मैं क्या हूँ? आप हमारे संसार के पति हैं और ये हमारे आत्मा के स्वामी। बहुभोज के समय मीरा को पशु बलि का मांस पकाने के लिए कहा गया। हमारी रसोई में मांस नहीं पकेगा। पर ये तो महाप्रसाद का अनादर है भाभी। महाप्रसाद अभी बना कहाँ है? जो हम बनाएंगे वही महाप्रसाद होगा। आप इस घर में आए हैं, आप इस घर की रीति रिवाज नहीं बदल सकती। ये तो हलवा है। जी महाराज, यही महाप्रसाद है। बहू अब हम एक पल में यहाँ नहीं रुकेंगे। अपमान की जितनी घूट पीनी थी उतने पी लिए। अब तेरे दो के हाथ के बना एक भी पदार्थ हमारे कंठ के नीचे से नहीं उतरेगा। चलिए मीरा की बढ़ती लोकप्रियता से भड़क उठे।
उन्हें कृष्ण के आगमन का शुभ संदेश देते प्रतीत होते और वह मंगल गीत गाने लगती। इस मिया को तो इतना दुखी करना होगा कि वह हमारे सामने रो दे या फिर अपने नियमों को बदल दे। उन्होंने मीरा को सबक सिखाने की ठान ली। माता इतना घमन करती है ना इस पत्थर की मूर्ति पर, अब देखती हूँ इसके बिना मर जाती है क्या? अगर मीरा की मूर्ति को पत्थर का टुकड़ा समझा तो उनके जीवन में बहुत कुछ आसानी घट जाएगा। कुछ समय पश्चात मीरा के पति बोरराज का निधन हो गया। मीरा बाई के दिन थे। सती प्रथा के दिन राणा राजघराने में भी फैसला किया गया कि घर की सारी विधवाएं अपने आप को जोहर के हवाले करें। मीरा ने इसका विरोध किया। जिसके सते मोर मुकुट श्याम मणि है वह गोपाल मीरा, कृष्ण मेरा मेरा जोगी, वही है मेरा सब कुछ, वही है मेरा पति और वो अमर है। पति के जीवित रहते मैं भला सती कैसे बनूं? मेरी शादी तो हुई है उस लाडले कन्हैया से और मैं दिलहत सुहागे उस गोविंद की, जिसे मैंने खरीदा है अपने स्नेह से, श्रद्धा से, आस्था से और आत्मसमर्पण से। समाज के लिए मीरा विधवा हो गई, किंतु गिरधर के अखंड सौभाग्य कर्म सदा के लिए उन पर छा गया। उनकी सारी क्रियाएं राग विराग कृष्ण में ही एक निष्ठ हो गई। मीरा की जीवन की संघर्षपूर्ण कहानी आरंभ हुई। संघर्षों के सागर में डूबती इतराती मीरा के लिए कृष्ण का नाम और साधु संगति ही एकमात्र सहारा थी। साधु संतों की सेवा उनका धर्म बन गया। लोक लाज का परित्याग करके वह उनके आदर सत्कार में लग जाती। ईश्वर के दर्शन के लिए कई बार मंदिरों में चली जाती और पैरों में घुंघरू बांधकर, हाथों में करताल लेकर भगवान के सामने नाचने गाने लगती। स्नेह, भक्ति, श्रृंगार, सुर कविता, संगीत और गिरधर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण का एक इंद्रधनुष अपने सफेद कपड़ों में छुपाए मीरा कहीं भी निकल जाती। कोई भय नहीं, लोकलाज के कोई बंधन नहीं। इस घटना के पूर्व
मियाँ भाई पर ससुराल वालों के जुर्म सीमा पार करने लगे। कुछ समय बाद उनके ससुर राया सांगा का भी देहांत हो गया। वहाँ विक्रमादित्य चित्तौड़ करके राया बने। राया ने मियाँ भाई को मारने के कई प्रयास किए। मियाँ के पास एक जहर का प्याला भेजा गया। मियाँ ने अपने भगवान श्री कृष्ण को प्याले का प्रसाद भोग लगाया और फिर खुद ग्रहण कर लिया। वो जहर अमृत में बदल गया। फूलों की टोकरी में जहरीला सांप मियाँ के कक्ष में भेजा गया। लेकिन जैसे ही मियाँ ने टोकरी खोली, सांप फूलों की माला में बदल गया। और भी कई ऐसे प्रयास मियाँ को मारने में विफल रहे। ससुराल में मीरा पर जुर्म बढ़ते चले गए, पर मीरा की कृष्ण भक्ति जरा भी कम ना हुई। श्री कृष्ण की भक्ति में ली मीराबाई ने महान कवि तुलसीदास जी को पत्र लिखा, जिसमें मीराबाई ने तुलसीदास जी से सलाह मांगी कि उनके परिवार वाले उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वह तो उनकी आत्मा और रोम रोम में बसे हैं। कृष्ण भक्ति छोड़ना उनके लिए थे त्यागने के बराबर है। कृपया ऐसे असमंजस्य से निकलने के लिए कोई सलाह दे और उनकी मदद करें। भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, राम की भक्ति के लिए विष्णु ने अपने भाई को छोड़ा, बाली ने अपने गुरु को छोड़ा और वो भी अपने पति को छोड़ा। उसी तरह आप भी अपने सभी संबंधियों को छोड़ दो जो आपको और श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते, उन पर पहरा रखा जाता, उनकी निगरानी के लिए चौकीदार बिठाए जाते, यहाँ तक कि उन्हें तारों में बंद कर दिया जाता। ऐसी स्थिति में मीरा का मन चित्तौड़ से ऊब गया। सांवरिया गेट है, गोपाल के रंग में रंग जाने के कारण मीरा ने चित्तौड़ को सदैव के लिए त्यागने का निर्णय ले लिया। मीरा को अपने वैभव की नई शाश्वत संवाद की अनुभूति सदैव घेरे रहती थी। ऐसे वर को क्या मरो जो अजन्मे अब मर जाए, बार बार एक ये सारो जो महारो अमर हो जाए। और वो अपने कुछ अन्य भक्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी।
उन्होंने अपना समय वृंदावन और द्वारिका में बिताया। द्वारिका में ही एक दिन भजन कीर्तन करते हुए वह कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई और अपनी भक्ति ही के जैसे अमर हो गई। आली रे मोहे लागे वृंदावन अनेको तुलसी ठाकुर सेवा घर तुलसी ठाकुर सेवा हो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा 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 हो दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को आली मोहे लागे वृंदावन नी को आली मोहे लागे वृंदावन नी को आली मोहे लागे वृंदावन को राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे जिसे वो आज भी ढूंढती है गलियों में आंगन में पागुन में सावन में सुबह शाम चढ़ती धूप और ढलती रात में वही एक तारा मीरा के आंसू बूंद बूंद होकर गिरते और टूटते हैं। कवि गायक और सामान्य व्यक्ति रोता है और रोते हैं मौसम साल और सदियां मंदिरों खंडरों से आती आवाज हवाओं की तीस और दिशाओं का चुपचाप संगीत दर्द जमीनों आसमान का रिस रिस कर निकलता दुख दुख मीरा का। मीरा ने विक्रमादित्य के कठोर हृदय को भी द्रवित कर दिया। उसने मीरा को एक महान कृष्ण भक्ति के रूप में स्वीकार किया और स्वयं भी कृष्ण भक्त बन गए। महल में रहने वाले सभी लोग मीरा की भक्ति में पूरी तरह रंग गए।
को अनुपम योगदान देकर मीरा अपने गीतों के गायन के साथ गिरधर के संग जा मिली। जहाँ गिरधर है जब तक गिरधर है, मीरा की कालजयी प्रतिदिन गाई जाएगी। मीरा ए भक्ति में जीवन Krishna, 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 Hare.